और इसी के साथ में उन्होंने एक काम और शुरू किया था, नदियों को जोड़ने का। वो उस समय हुआ लेकिन धीमे गति से चला, लेकिन आज मोदी जी के आने के बाद में वो काम भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जहां अकाल पड़ता था, जहां बाढ़ आती थी, अब जहां अकाल पड़ रहे हैं बस वहां तक हम सीमित हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए, अपने आचार विचार और व्यवहार से, क्योंकि आप जहां पर रहते हैं आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी रहेगा, और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करना, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संकल्प के साथ में पार्टी को मजबूती दिलाना, ये मेरा पहला काम होगा। इसलिए कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं माने कि मैं कहीं इधर से हूं ना उधर से हूं, मैं जहां से भी हूं वहीं से हूं, ये आप समझे। मैं पार्टी का हूं और पार्टी का होने के नाते मैं सभी कार्यकर्ताओं का, जो अटल जी का नारा था और मोदी जी जो हमको कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके काम करूंगा, और मैं किसी भी कार्यकर्ताओं को ये महसूस नहीं होने दूंगा, ये कोशिश करूंगा कि उस हर कार्यकर्ता को पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सम्मान मिले, और जनता के बीच में और सरकार के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो कड़ी के रूप में काम करता है वो कड़ी के रूप में काम करे और हमेशा हमेशा संघर्ष करते हुए पार्टी को मजबूत करे। मैं आप सभी के साथ में ये करता है, क्या करता है और क्या सोचता है, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी अपने मन में, हमारे यहाँ पर भी नगर पालिका के चुनाव होंगे, आप सभी भीलवाड़ा के हैं इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आप सभी से, अभी पंचायतों के चुनाव हैं और पंचायतों के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव जो होते हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी शुरू होती है तो पंचायत चुनाव से होती है, लोकतंत्र की सीढ़ी शुरू होती है शहरों में तो नगर पालिका चुनाव से होती है, नगर परिषद चुनाव से होती है। इसलिए ये चुनाव ऐसे चुनाव होते हैं जहां पर आम कार्यकर्ताओं को एक नेता बनने का, नेतृत्व करने का, जनहित के कार्य करने का मौका मिलता है। इसलिए हम सब मिलकर, चाहे विधायक साहब हो, चाहे सांसद साहब हो, चाहे जिला प्रमुख साहब हो, हम सब मिलकर उन सब कार्यकर्ताओं के लिए, विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए और उनके नेतृत्व के लिए मिलकर काम करेंगे और उनके साथ भी न्याय दिलाते हुए, सम्मान दिलाते हुए काम करेंगे। आप सभी भी जो पंचायत चुनाव हैं, जिन जिनको भी हम जिम्मेदारी देंगे, वो भी आप वहां पर जाएं और काम करें और आगे भी, क्योंकि एक साल हमारे रहा है। आज भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 55वां जन्म दिवस है। आज के दिन हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए, जिस दृढ़ता से उन्होंने सिद्धांत और विचारधारा के साथ अपना पूरा जीवन जिया और जिस तपस्या के साथ राष्ट्र की सेवा की और जो काम उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में किए, उन सब कार्यों का स्मरण करते हुए हम सब कार्यकर्ताओं ने आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और सब ये प्रेरणा लेकर यहाँ से जा रहे हैं कि जिस निष्ठा के साथ वाजपेयी जी ने इस विचारधारा को खड़ा किया था, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ऐसे समय में जब राष्ट्र संक्रमण काल में है, वो अपनी पूरी विचारधारा और दृढ़ता के साथ अटल जी के दिखाए हुए मार्ग पर चले। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की 95वीं जयंती है। भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को विजय संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। भीलवाड़ा जिले का जिला केंद्र पर आज कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यक्रम हुआ है और आज हम सब कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि अटल जी द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश की सेवा का जो संकल्प लिया गया था, हम उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा के अनुसार चलेंगे और उनके दिखाए हुए मार्ग को अपनाएंगे।